हेलो फ्रेंड्स, और आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम खड़े एक इंडियन हैचबैक के सामने जिसका नाम है मारुति बलेनो। तो इसका मैंने अल्फा मॉडल का रिव्यू दिया था 2019 का, पर आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि डेल्टा मॉडल और जीटा मॉडल का भी वीडियो दिखाओ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अल्फा जीटा दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये आपका डेल्टा मॉडल है पेट्रोल का। सबसे पहले इसका ग्रिल की लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको न्यू ग्रिल मिल जाता है जो कि फ्लोटिंग डिजाइन में मिलता है और इसे एक बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सुंदर क्रोम की फिनिश मिल जाती है जो कि अगेन इसे काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। वन मेजर अपडेट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, इस कार में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इसमें आपको LED DRLs नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं बट LED वाले हैं, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा टच है अपने सेगमेंट में। ये आपके राइट साइड में अल्फा मॉडल के लाइट्स आप देख सकते हैं कि आपकी HID है एंड ये आपके LED है, थोड़ी डिफरेंट है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैंप्स नहीं मिलते, आप एज एन एक्सेसरी यहाँ पे फॉग लैंप्स लगवा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगर हम रेडिएटर दिखा दें तो यहाँ पे आपको रेडिएटर भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको अंदर आप अगर देख सकते हो, देन इसमें आपको न्यू बम्पर मिल जाता है देन द प्रीवियस जनरेशन, जो कि अगेन एक सी शेप में आपको मिल जाता है जो कि इसे एक बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। एज वेल एज नीचे आपको यहाँ पे थोड़े चेंजेस भी मिल जाते हैं, जैसे आपको बम्पर के थोड़े चेंजेस आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अभी कार अनलॉक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे 15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं जो कि आपके एलॉयज नहीं है, नॉर्मल स्टील व्हील्स है। इसमें आपको MRF के टायर्स मिल जाते हैं। देन ये आपके ऑटोमेटिकली फोल्डेबल एंड रिट्रैक्टेबल मिरर्स। देन यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड हैंडल्स मिल जाते हैं। एज एन एक्सेसरी आप यहाँ पे क्रोम हैंडल्स भी लगवा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे विंडो क्रोम भी लगवा सकते हैं एज एन एक्सेसरी। एंड नीचे आपको साइड बिडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे अगर आप फॉग लैंप्स लगवाना चाहें तो आप फॉग लैंप्स भी लगवा सकते हैं मारुति के जेन्युइन एक्सेसरीज से। उसके बाद अभी आप इस कार के डोर को खोल लेते हैं पहले। इस कार के डोर में आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द फैब्रिक इंसर्ट्स। अभी यहाँ पे आपको कोई भी ब्लैक इंसर्ट्स नहीं मिलते, अभी आपको यहाँ पे पूरे ब्लू इंसर्ट्स मिलते हैं जो कि इसे एक फ्रेश डिजाइन का लुक देता है। यहाँ पे आपको 1 लीटर की स्टोरेज मिल जाती है बॉटल की, उसके साइड आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज और मिल जाती है। स्पीकर्स इस कार में आपको 4 मिल जाते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली जीटा और अल्फा में आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं जो कि इस मॉडल में आपको नहीं मिल पाते। देन यहाँ से आप इस कार का एक बार इंटीरियर का होल लुक ले लो। इंटीरियर का होल लुक काफी अच्छा है, सेम है प्रीवियस जनरेशन जैसा, बस कुछ माइनर अपडेट्स हुए हैं। तो अभी इस कार के हम इंटीरियर में बैठ चुके हैं, मैं सीट अपने हिसाब से अभी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इस कार की स्टेयरिंग से बात कर लें तो इस कार में आपको स्टेयरिंग जो मिलता है वो बिल्कुल सेम टू सेम है प्रीवियस जनरेशन जैसा, कोई भी इसमें आपको चेंज नहीं मिलता। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे ब्लूटूथ और फोन काटने और रिसीव करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड उसी के साइड में आपको कुछ नहीं मिलता, ब्लैंक है। आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाते हैं। अभी कार स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। तभी हमने ये म्यूट कर दिया है। यहाँ पे आप स्पीडोमीटर मींस क्लस्टर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टैकोमीटर मिलता है एंड राइट साइड में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है जो कि अगेन एक काफी अच्छी चीज है। बीच में आपको MID मिल जाती है जो कि एक बहुत अच्छी MID है। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एवरेज से लेके सब कुछ। यहाँ पे आपको अपने हेडलाइट एडजस्टर्स मिल जाते हैं जो कि अगेन एक काफी अच्छी बात है। प्रीवियस जनरेशन में आपको यहाँ पे एक और स्विच मिला करता था जो कि था फॉर द रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, जो कि अब इस कार में इवन बेस मॉडल में भी स्टैंडर्ड हो चुका है। इस कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं विथ ABS EBD एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स एंड सेंट्रल लॉकिंग। यहाँ से आप अपने साइड व्यू मिरर्स ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। राइट वाला स्टॉक आपके फॉर लाइट्स और आपके इंडिकेटर्स के लिए है, लेफ्ट वाला आपके वाइपर्स के लिए है रियर एंड फ्रंट।
एक बार हम वाइपर की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। तो स्प्रे काफी अच्छा आ रहा है, इसमें आपको सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं, उसके बावजूद आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। रियर में भी आप देख लो, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होती है। लेकिन इस कार में अगर हमें एक मेजर अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक न्यू सिस्टम मिल जाता है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी बात है कि आपका पूरा टच सिस्टम रहने वाला है। अभी ये डिलीवरी कार है इसलिए मैं इसे निकाल नहीं रहा हूँ, ये किसी को अभी गाड़ी डिलीवरी होनी है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स वॉल्यूम के मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ी सी, यहाँ पे अगर आप देख सके तो एक स्क्रीन मिल जाती है दिल्ली प्रीवियस जनरेशन, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं सिस्टम को। अब ये पूरा टच हो चुका है, कुछ भी इसमें अब आपको बटन में नहीं मिलता सिस्टम में। आपको नीचे से भी एक बार इसका लुक दिखा देते हैं, ये भी पूरा टच हो चुका है। यहाँ पे आपको अपने डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, देन आपको यहाँ से अपने गाने और FM चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक काफी अच्छा फीचर है। देन यहाँ पे आपको रियर व्यू मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, चलता है पर इस बजट में। इससे अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाते हैं, देन यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद टिकट होल्डर। उस साइड में आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ प्रॉपर मिरर, लाइट नहीं मिलती इसमें आपको। देन यहाँ पे जो आपको ग्लव बॉक्स मिलता है वो सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो एक न्यू चीज का डिफरेंस है वो है आपको यहाँ की फिनिशिंग ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के पास की। ये पहले सिल्वर में आता था, जो कि अब चेंज होकर आपकी थोड़ी डार्क सिल्वर में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि इसे एक अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ अगर हम इस कार के यहाँ के नीचे की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, बॉक्स और USB का ऑप्शन मिल जाता है। उसी के नीचे आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस और कप होल्डर्स मिल जाते हैं। सिमिलरली ऑन दैट साइड यहाँ पे भी आपको सेम 1 लीटर की स्टोरेज बॉटल्स मिल जाती है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको मिलता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन सेम। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज दी गई है रखने के लिए सामान। देन आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक पैडिंग मिल जाती है हैंडब्रेक के पास, जो कि अगेन एक काफी अच्छा टच है। यहाँ पे आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है, रीच के लिए नहीं मिलता। इससे अगर आपको रीच का चाहिए तो आपको इस अपर वेरिएंट्स लेने पड़ेंगे। एंड इस कार में आपको सिर्फ रिक्लाइन एंड फॉरवर्ड और रियर करने की ऑप्शंस मिलते हैं सीट्स में। हाइट एडजस्टेबल के लिए आपको अपर वेरिएंट्स लेने पड़ेंगे। देन अभी इस कार के रियर डोर पे चल लेते हैं। तो अभी रियर डोर खोल लेते हैं पहले। सेम फिनिश है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे फैब्रिक इंसर्ट्स मिल जाते हैं न्यू। यहाँ पे भी आपको 1 लीटर की बॉटल की स्टोरेज मिल जाती है विद अ स्पीकर। यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास मिल जाता है, जो कि हेल्प करता है मोर लाइट आने में अंदर, जिसकी वजह से आपको एयरी फीलिंग आएगी अंदर। देन आप एक बार पीछे वाली सीट का होल लुक ले लो, इसमें आपको न्यू सीट्स मिल जाती है ब्लू कलर की। यहाँ पे इसमें पहले आपको ब्लैक मिलती थी, जो कि अब ब्लू हो चुकी है। तो अभी सामने वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, तो उसके बाद भी मेरे पास काफी अच्छी नी रूम है और अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है। एंड मेरी हाइट है 5'8", उसके बाद भी मेरे पास काफी अच्छी हेडरूम है, डिसेंट है, एक्चुअली बोलूंगा अच्छी तो नहीं, डिसेंट है। 6 फीट वाले लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है फॉर लॉन्ग जर्नीज। यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाते हैं पोर्ट होल्स के ऊपर गुजरने के लिए, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कोट हुक भी मिल जाता है। देन आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि अगेन एक काफी अच्छा फीचर है। एज एन एक्सेसरी आप यहाँ पे आर्मरेस्ट लगवा सकते हैं, जो कि एक काफी अच्छा फीचर है। एंड यहाँ पे आप सीट कवर्स लगवा सकते हो, जो कि न्यू और अच्छा आपको फीलिंग देगा कार के अंदर। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं बोथ आगे और पीछे के लिए, जो कि अगेन एक काफी अच्छा फीचर है। देन अगर हम इस कार के बूट की बात कर लें, तो बूट पे जाने से पहले आप एक बार डोर के पास ये फिनिशिंग देख लो क्रोम की, क्योंकि इसे एक बहुत अच्छी और प्रीमियम लुक देती है। अभी इस कार के हम रियर में चले जाते हैं। तो रियर में आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियर से इस कार में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे एज एन एक्सेसरी आप यहाँ पे अपर क्रोम गार्निश लगवा सकते हैं,
नीचे आप लोअर डिगी क्रोम लगवा सकते हैं, जो कि इसे अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। आप एज एन एक्सेसरी इसमें कैमरा भी लगवा सकते हैं। एंड अगर आपको इसमें कैमरा चाहिए, इसमें आपको कई टाइप के कैमरा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल कैमरा भी लगवा सकते हैं जिसमें आपको बम्पर में होल करवाना पड़ेगा, या तो आप सीधा क्या बोलते हैं सिस्टम ले लीजिए जो कि आपके कैमरा के साथ कंपैटिबल हो, और वो आपका कैमरा इसमें फिट हो जाएगा अपर डिकी क्रोम में। तो अभी बूट खोल लेते हैं। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा टच है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी बूट स्पेस मिल जाती है अपने सेगमेंट में। वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस एंड रिलायबल कार है बलेनो। देन इस कार में पीछे यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं पार्किंग के चार। अभी इस कार की एक बार इंजन की बात कर ले तो इस कार में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि आपका पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल है आपका 1.2 लीटर का, जो 83 हॉर्स पावर जनरेट करता है। कोई भी न्यू ऑप्शन इसमें आपको इंजन में नहीं मिलता, बिल्कुल सेम है। एंड 83 हॉर्स पावर के साथ इसमें आपको 150 Nm के टॉर्क मिल जाती है। एंड माइलेज पेट्रोल में आपको समवेयर अराउंड 17-16 सिटी में मिलेगी, एंड ऑन हाईवे इट इज 22-23। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी बलेनो ओन करता हूँ, तो ये वो माइलेज है जो मेरे को हर दिन मिलती है। एंड डीजल की बात करें तो आपको सिटी में 20-22 की मिल जाएगी एवरेज, और अगर हाईवे की बात करें तो 28-30 की आपको मिल सकती है, अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं तो। एंड अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट से पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं फॉर श्योर करूंगा। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये कार टोयोटा के साथ भी मिलने वाली है कुछ दिन बाद, जो कि इसे एक अच्छा लुक प्रोवाइड करेगी। एंड मारुति और टोयोटा कोलाब कर लेंगे, जिसके बाद इसमें आपको और अच्छी सर्विस मिल जाएगी एंड आपको फीचर्स मिल सकते हैं, इवन दो कार मारुति ही मैन्युफैक्चर करेगी इसकी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर लेना, उसका रिप्लाई आपके पास फॉर श्योर आएगा। टिल देन बाय।